नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित की गई LDC भर्ती परीक्षा का जो 9 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें उसकी फर्स्ट पेपर की आंसर की कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए। जिसमें पहला सवाल था कि राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है, ये युवा लोगों को स्वरोजगार सुनिश्चित करवाती है। अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति, अधिकार व जिम्मेदारियों से संबंधित है, तो इसमें अनुच्छेद 243 जी है वो इसकी जिम्मेदारियों या शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, वो अपना कुछ इस प्रकार था कि निम्न में से राजस्थान में किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था, तो इसमें दौसा, प्रतापगढ़ व जालौर, तीनों में भी ऐसा कोई उद्योग कार्यशील नहीं था, तो अपना उत्तर होगा ये सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो इसमें चावल रबी की फसल नहीं है, एक खरीफ की फसल है। दोस्तों अगला जो सवाल था अपना, इसमें राजस्थान जीके का कि राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्थानीय निकायों के को आवंटन संसाधनों का वितरण अनुपात है, तो इसका ऑप्शन ए 75.10 ग्रामीण निकायों को तथा 24.90 शहरी निकायों को। दोस्तों अभी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगला जो सवाल है अपना, निम्न में से कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इसमें सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। दोस्तों इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है, तो ये कंवर सेन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य में स्वयं के पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है, तो इसमें माही परियोजना है वो पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है, तो 12 जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में देश का कितने प्रतिशत फेल्डस्पार भंडार है, तो इसमें 100% राजस्थान का ही है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय प्लांट है, तो इसमें सूरतगढ़ सुपर तापीय प्लांट राजस्थान का पहला तापीय प्लांट है, कोटा वाला दूसरा तथा छबड़ा तीसरा है। दोस्तों अगला जो है, राजस्थान में रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है, तो 26:74 की जो है इसमें राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है। दोस्तों अगला जो सवाल है, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ, तो इसका गठन 1959 को हुआ, 1959 में। दोस्तों अगला जो सवाल था, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है, तो इसमें राजसी को सीधा उत्पादन खरीदती है उनसे। दोस्तों अगला जो सवाल था, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खनिज एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ, तो इसका विलय 19 फरवरी 2003 को हुआ था। दोस्तों अगला जो सवाल है, दक्षिणी राजस्थान में छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था, तो गोकुलाल असावा ने ये प्रस्ताव दिया था। अगला जो सवाल है दोस्तों, जयपुर में कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रज नीति लिखते थे, तो इसमें सवाई प्रताप सिंह थे, तो अपना नाम ब्रज नीति रखते थे। अगला जो सवाल है दोस्तों, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो इसमें मोमल है जो युवती के सौंदर्य से संबंधित सवाल है। दोस्तों अगला जो सवाल था, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए, तो मिर्जा राजा जय सिंह। अगला जो सवाल था, तो कोटक का संस्थापक कौन था, तो कोटा का संस्थापक माधो सिंह था। दोस्तों जो अगला सवाल है, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है, तो भाद्रपद में तेजादशमी मनाई जाती है। दोस्तों अगला जो सवाल है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो चंपाकली गर्दन में पहनी जाती है। दोस्तों अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन कोटा के में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका नेतृत्व जयदयाल ने किया था। साथियों जो अगला सवाल है, निम्नांकित में से वन श्रेणी में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है, तो इसमें संरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट है उसमें सबसे अधिक है। दोस्तों अगला जो सवाल है, त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो त्रिपुरा सुंदरी का दोस्तों बांसवाड़ा में। अगला जो सवाल है दोस्तों, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है, दोस्तों गजनेर बीकानेर में स्थित है। दोस्तों
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से कौन सी तहसील शहर या जनजाति का घनत्व अधिकतम है? तो किशनगंज में सबसे अधिक शहर या जनजाति पाई जाती है। दोस्तों जो अगला सवाल था, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल एवं तिरवे पवनामुखी ढाल वाला होता है? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कुछ ऐसे होते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट था, लाल दोमट मिट्टी कहाँ कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो डूंगरपुर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाथरा की फाल खान किस जिले में अवस्थित है? तो उदयपुर में नाथरा की पाल खान अवस्थित है। अगला है कि मिलान करना है दोस्तों, निम्न में से वन्य जीव अभयारण्यों को उनके सही अवस्थिति में मिलाई। तो रामगढ़ जो है दोस्तों बूंदी में, जवाहर सागर कोटा का है, वन विहार धौलपुर का है, ताल छापर चूरू था, श्रीष का अभ्यारण अलवर का, यानी अपना उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? तेंदू पत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। अगला जो सवाल है दोस्तों, लूणी बेसिन राजस्थान में किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो पश्चिमी मरुस्थल का एक भाग है। दोस्तों जो अगला सवाल था, राजस्थान में निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया? तो 13 दिसंबर 2017 को। दोस्तों जो अगला सवाल है, निम्न में से किस शहर में भारत सरकार का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगी? तो ये डाटा सेंटर दोस्तों जयपुर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों जो अगला सवाल है, ओम प्रकाश मिट्टरवाल ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों अगला जो सवाल था दोस्तों, बटाड़ू का कुआ राजस्थान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों बटाड़ू का कुआ बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, भारत की प्रथम राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्न में से किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। दोस्तों अगला जो सवाल है, गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान में निम्न में से किस जिले से संबंधित है? दोस्तों गरदड़ा बूंदी से संबंधित है। दोस्तों जो अगला सवाल है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम है? तो इसका नया नाम स्पोर्ट इंडिया है। दोस्तों जो अगला सवाल है, निम्न में से कौन दिल्ली के 21वें राज्यपाल है? तो अनिल बेजल। दोस्तों इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो दोस्तों, भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण? दोस्तों अगला जो सवाल है, रिजर्व बैंक की इंडिया द्वारा जून 2018 में की गई घोषणाओं में रेपो रेट थी वो 6.25 थी। दोस्तों जो अगला सवाल था, वरुण 18 नामक अभ्यास किस से संबंधित? ये नौसेना से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, 2018-19 में बजट में के अनुसार राजस्थान में आशा सहयोगिनी का वेतन क्या होगा? तो वो 2500 रुपये होगा। दोस्तों अगला जो सवाल था, राजस्थान में कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये जैसलमेर था। दोस्तों अगला जो सवाल है, आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? दोस्तों आयुष्मान भारत मिशन का संबंध स्वास्थ्य से। दोस्तों अपना जो लास्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है? तो श्री शरद कुमार। दोस्तों अगर आप